हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे। आज है संडे और आप सभी को हैप्पी संडे। तो वीकेंड का दिन आ चुका है, तो वीकेंड के दिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने के लिए। तो आज मैंने प्लानिंग किया है कि मेथी का रोटी बनाऊंगी, लेकिन शाम को। तो मैंने मेथी को कट करके रख दिया है, साफ करके धो के, और लंच बना के रेडी हो गया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 1। तो लंच बना के मैं रेडी हो गया है। तो आज मैंने लंच में बनाया है मोचा, जो बनाना का फ्लावर आता है ना, मोचा बनाया, उसका सब्जी बनाया। और शाम को मेथी की रोटी बनाऊंगी ना, तो उसके साथ छोले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो छोले की सब्जी भी बना लिया मैंने। छोला कल रात को ही भिगा दिया था, और चावल बनाया, तो अभी लंच में छोले की सब्जी थोड़ी सी लेंगे, और मीन्स छोले की सब्जी, मोछा की सब्जी और चावल खाएंगे, और शाम को रोटी बनाऊंगी मेथी का रोटी, तो वही डिनर में होगा। और आज संडे है, तो कल रात को मिठुन को ना थोड़ा हल्का हल्का पेन हो रहा था, वैक्सीन लिया ना मिठुन ने, तो हल्का हल्का पेन हो रहा था, फीवर नहीं हुआ। मुझे लगा फीवर होगा, मैं बार बार रात को चेक कर रही थी, तो फीवर तो नहीं हुआ, बस हल्का हल्का पेन हुआ था। और अभी तो सुबह मॉर्निंग से भी बिल्कुल भी पेन भी नहीं है और फीवर भी नहीं है, लेकिन मोमिता को फीवर हुआ है, और सौरभ दा का हल्का हल्का पेन हो रहा है, और मोमिता को फीवर हुआ है, तो मिठुन को फीवर नहीं हुआ है, तो मोमिता को फीवर हुआ है, तो उसको वो डोलो फीवर का जो दवा है ना, वो उनको उसको खिला दिया है। तो तीन घंटे छोड़ छोड़ के खाना है। वहाँ पे वैक्सीन लेने गए थे ना, वहाँ पे ही बोल दिया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक्चुअली मैंने पंखा बंद किया ना, नहीं तो और ज़्यादा आवाज़ आएगा। तो हमारे यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए हमेशा आवाज़ आते रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं लंच निकालूंगी, मिठुन ले चावल ले, तो तब तक लंच निकाल लेती हूँ, फिर हम लोग लंच करेंगे। और आज पता है एक प्रॉब्लम हो गया था, हम लोग ना लंच बना रहे थे ना, तभी गैस ना लीक होने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मतलब कल ही हम लोग देख रहे थे कि हल्का लगा रहा था, पर आज बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो अभी लंच करेंगे, कैसे तैसे मैंने लंच बनाया, और इसलिए मेथी का रोटी अभी नहीं बनाया, शाम को बनाऊंगी। तो अभी लंच करेंगे, और लंच करने के बाद मैं फिर कंप्लेंट फ़ोन करूँगी, यहाँ पे कंप्लेंट करूँगी, ताकि वो चेंज करके जाए। पर आज अगर आके चेंज करते तो अच्छा होगा, मुझे पता नहीं, इमरजेंसी कॉल नंबर दिया है, तो अगर आके जाते तो अच्छा होगा, नहीं तो शायद कल ही आएगा। और एक गैस भी मीन्स ख़त्म हो गया, तो उसे भी बुक कर दिया रिफिल करने के लिए, तो देखते कल तक या परसों तक आएगा। आज तो किसी तरह से डर डर के बनाया उन्होंने खाना। तो चलिए फटाफट, अभी मिठुन भी चावल लेके आ गए, तो हम लोग, मैं अभी प्लेटिंग करती हूँ और लंच करते, बहुत लेट हो गया। तो यहाँ पे बनाया है छोले मसाले, आलू छोले मसाले, और यहाँ पे ये है मोछा की सब्जी, और यहाँ पे दूध गरम किया था मैंने, दूध है और चावल बस। और शाम को मेथी की रोटी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे छोला जो है वो भिगो के रखा था मैंने, ऐसे नॉर्मली सुबह खाते हैं मिठुन इसलिए। और ये है मेथी को मैंने साफ करके बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रख दिया है, बिल्कुल अच्छे से साफ करके रखा है, तो इसे मैं शाम को करूँगी। तो अभी फ़िलहाल ढक के रख दूँगी इसे। तो हमारा लंच कंप्लीट हो गया है, और आज तो लंच करके ना मज़ा आ गया है सच में। इतना अच्छा सब्जी बना था, छोले की सब्जी भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी रिच नहीं था, और बहुत ही कम मसाला मैंने दिया था, तो बहुत ही अच्छा बना था। और मोछों की सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, और हाँ, केले का जो मीन्स बनाने का फ्लावर रहता है ना, मरून कलर का, इतना बड़ा रहता है, जब केला होता है ना उसके पहले वाला जो होता है वो वाला मोचा हम लोग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मुझे उतना पता नहीं, आपको अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने मोचा की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, तो आप चेक कर सकते हो। और सच में बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और मोचा का ना पकौड़ा भी बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम लोग पहले प्लान कर रहे थे वही बनाएंगे, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया, उसमें बहुत तेल, मंस पकोड़ा वो ना पूरा तेल 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 लगता है खाते वक्त, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और बहुत अच्छा बना था ना यार। यहाँ पे मिठुन सो गए,
खाना वाना खा के, सब्जी अच्छी बनी थी ना, बिल्कुल बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे सो गए हैं, मैंने लंच विंच पंखा बंद कर दिया, इतनी स्वेटिंग आ रहा है। तो लंच कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पूरा बर्तन वर्तन धो दिया, कपड़ा भी धो के फिर डाल के, कपड़ा पहले भिगो दिया था तो कपड़ा धो के डाल के, और उसके बाद बर्तन वर्तन फिर क्लीन कर लिया है। अभी बस थोड़ा सा मैं भी रेस्ट लूँगी सुबह से। आज संडे के दिन ना मैं जितना भी कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठना का, पर मैं कर ही नहीं पाती। आज भी कितना मैं आई थिंक 9:30 बजे उठी, मीन्स मिठुन सुबह जल्दी उठ के बाजार विजार जाके सब्जी वब्जी लेके आए थे, पर मैं संडे के दिन लेट ही उठी, इसलिए खाना भी बनाते बनाते लेट हो गया था। ब्रेकफास्ट ही हम लोग ने 10:30 बजे किया था, तो खाना वीना बनाते बनाते फिर लेट हो गया। तो सब काम संडे के दिन ना बिल्कुल धीरे 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 मेरा चलता है। तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मेथी का रोटी बनाऊँगी, वो 4-5 बजे उठ के फिर बनाऊँगी। तो चलिए मैं थोड़ा भी रेस्ट करती हूँ। एवरीवन, अभी बजे है 5:30, बस थोड़ी देर पहले ही मैं अभी उठी और उठ के फ्रेश होके पानी वानी पी के आपके साथ बात कर रही हूँ। मिठुन अभी भी सोए हैं, तो अभी 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने मेथी जो है वो साफ करके रखा था, मेथी का पत्ता, तो मेथी का पराठा बनाने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर और रखूँगी तो मेथी का पत्ता जो है ख़राब हो जाएगा साग, तो इसलिए मैं अभी आटा गूंदने जा रही हूँ ताकि जल्दी से मेथी का पराठा जो है वो बना लूँ, और मिठुन जब तक सोए तब तक जल्दी से बना लेती हूँ। तो मेथी का पराठा ना मैंने ऑलरेडी बहुत बार शेयर किया है, आई थिंक 2-3 बार मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो इस बार मैं बिल्कुल उतने अच्छे से फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। उसका वीडियो का लिंक जो है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर नॉर्मल आटा लिया है और उसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला। और जो अजवाइन है उसको क्रश करके डाल दिया है और तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मोयन दूँगी। और उसके बाद जो हमने कटे हुए मेथी रखा है, मेथी का साग, उसे अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद पानी डालूँगी क्योंकि मेथी के साग में ऑलरेडी पानी रहता है, तो इसलिए अच्छे से मिक्स करने का फिर मैं पानी डाल के फिर अच्छे से गूँ लूँगी आटा को। और उसके बाद उसे 10 से 15 मिनट रख दूँगी सेट होने में, और फिर उसके बाद मैं उसका लोइया बना लूँगी, पेड़े बना के, फिर जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस में आप पराठा बना सकते हो, तो तेल से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली आटे से ही बना रही हूँ लगा के, उसके बाद तवे पे डालूँगी, तब मैं तेल या घी से बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल से भी टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, और नॉर्मली आप सादा तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा पराठा जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। बस मैं इसे तेल से इस तरह दोनों साइड थोड़ा थोड़ा तेल 1 चम्मच डाल के, 1/2 चम्मच डाल के बना ले रही हूँ। तो मेरा पराठा जो है देखो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे अब पराठा बन चुका है, तो मैं मिठुन को पराठे देती हूँ और पूछती हूँ कैसा बना है। कैसा बना? ठीक ठाक। ठीक ठाक। नमक हुआ है? अच्छा, सॉफ्ट हुआ है ना? बस हो गया। ये मोमिता और सौरभ दफ्तर के लेके जा रहे। एक्चुअली मोमिता का ना वाटी मीन्स ये कटोरी रह गया था, उसने मुझे कुछ तो दिया था खाने के लिए, तो इसलिए खाली दूँ, उससे अच्छा मैंने आज बनाया तो मेथी का रोटी और छोले की सब्जी वही देने जा रही हूँ आज, उनको पहले लेके आती हूँ। मोमिता और सौरभ दा को मेथी का रोटी देके आऊंगी, उसके साथ छोले की सब्जी। तो अभी तक उन लोगों ने डिनर नहीं किया, मैं वही सोच रही थी पहले से कि अगर डिनर कर लिया तो फिर आज नहीं खा पाएंगे। गरम गरम खाने का मजा ही अलग रहता है, और गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं फटाफट पहले का जो बनाई मैं वो मिठू को पहले दिया था उस टेस्ट करने के लिए, और फिर उन लोगों को देख रही। तो गरम गरम खाएंगे ना बहुत अच्छा लगता है। अभी बाकी थोड़ा सा है तो सब बना लेती हूँ जल्दी जल्दी।
पराठा बनाते वक्त ना पूरा गैस है ना लीक कर रहा था, तो इसलिए ना गैस निकाल दिया, मतलब चेंज कर दिया नया वाला गैस। ये वाला गैस ना हमारा ऊपर था माले पे, तो वहां से निकाला। ये वाला हम लोग चेन्नई में आए थे ना, सिलेंडर बुक किया था, तो गैस मतलब न्यू गैस बुक किया था ना, तो उसके साथ ये वाला गैस मिल रहा था। और हमारा पुराना वाला जो गैस है वो बॉम्बे से हम लोगों ने लाया था, तो उसमें से रेगुलेटर ना खराब हो गया, बहुत ज्यादा लीक हो रहा है, तो इसीलिए उसको पूरा चेंज करके फिर मिठुन ने ये वाला लगा दिया। ये नया रेगुलेटर है, पूरा नया गैस है, तो बहुत ही ज्यादा लीक कर रहा था, इसलिए मीन्स रिस्क लेने से अच्छा चेंज कर लिया और कंप्लेंट कर दिया। तो वो लोग कल दोपहर तक आ जाएंगे ऐसे बोला है, तो अभी देखते हैं कितने दिन में आते हैं। ऑलरेडी तो चेंज कर दिया, उसका न्यू रेगुलेटर ले लेंगे। और यहाँ पे मेरा खाना बना के हो चुका है, पराठा बन गया है। पराठा बनाते बनाते इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, मतलब मैंने तेल से बनाया, नारियल तेल से बनाया, घी से भी बना सकते हैं बट नारियल तेल से बनाया उससे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूरा खाना बन चुका है और फिर बर्तन पूरा किचन क्लीन कर लिया, फिर बर्तन भी धो दिया मैंने। और अभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग लंच मीन्स सॉरी थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर डिनर करेंगे। तो अभी मिठुन सुबह से मोबाइल लेके पड़े, पता है क्यों? मैंने सिर्फ उसको बोल दिया था, मैंने ना मनी हाइस्ट का देखा था नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज, तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, रॉबरी का तो मैंने सीजन 1, 2, 3, 4, 5 सब देख लिया, तो इसलिए मैंने मिठुन को मीन्स आज सुबह मैं बोल रही थी बहुत ही अच्छा पिक्चर है, बहुत ही अच्छा पिक्चर, मिठुन ने कभी देखा नहीं, तो मैंने उसको डाउनलोड करके दिया और देखने के लिए पूरा दिन मोबाइल लेके पड़े। मैं दिखा दी आपको, ये देखो मनी हाइस्ट के पिक्चर वेब सीरीज में पागल हो गए। कैसा है पिक्चर? वेब सीरीज बहुत अच्छा है ना, अभी तक तो सीजन 3, 4, 5 सब देखना बाकी, अभी तक 2 ही नहीं कंप्लीट किए, 1 कंप्लीट हो गया है ना, 2 बाकी है। और हाथ में पेन कर रहा है क्या? अभी ठीक है ना, इसीलिए पूरा दिन इसी तरह सो के बस मनी हाइस्ट का वेब सीरीज देख रहे हैं। मिठुन पागल हो गए पूरा वेब सीरीज के अंदर। मिठुन ना फर्स्ट टाइम मीन्स मनी हाइस्ट का वो देख रहे हैं, तो इसलिए पूरा पागल हो चुके हैं। मनी सीरियसली बहुत ही अच्छा पिक्चर, मुझे लगा ना सीजन 5 पूरा दे दिया बट वॉल्यूम 1 ही दिया है, दिसंबर 3 को वॉल्यूम 2 आएगा, मुझे वेट नहीं हो रहा है बस। बहुत ही मीन्स सुपर, और वो प्रोफेसर तो मुझे क्रश हो गया सच में, मिठुन को वही बोलती कितना अच्छा दिखता है ना प्रोफेसर, बहुत अच्छा दिखता है। और उनकी एक्टिंग तो सुपर है, मीन्स सुपर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मीन्स नेटफ्लिक्स का सबसे बेस्ट वेब सीरीज यही है मनी हाइस्ट का। अगर आपने नहीं देखा है ना जरूर जाके देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है? और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और बर्तन वर्तन धो के ना पूरा मैक्स गीला हो गया, तो वही अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी। और अभी फिलहाल 8 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग 8:30 बजे तक फिर डिनर कर लेंगे। नॉर्मली हम लोग डिनर 8:30-9 बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो अभी फिलहाल मिठुन वेब सीरीज देख रहे हैं। सुबह से उसको मैं बोल रही हूँ खाना है कुछ पता नहीं उसको, एक गरम गरम पहले रोटी बना के मीन्स पराठा बना के दिया था वो खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया अभी तक, चाय बना के दिया था उसके साथ खाए थे और बाकी कुछ भी नहीं खाए। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग 8:30 बजे तक डिनर कर लेंगे और फिर डिनर करेंगे, और उसके बाद इंटरेस्टिंग, मैंने अभी अब तक आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिखाया ना, तो मैं आपको बर्थडे गिफ्ट दिखाती हूँ, ठीक है? पहले मीन्स डिनर करने के बाद दिखाऊंगी, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी। पूरा गर्मी, पूरा पराठे बनाते बनाते गर्मी से पूरा पसीना से मीन्स पूरा गर्म लग रहा है। अभी थोड़ा बाहर जाऊँगी बैठूँगी, हमारे टेरेस तो सामने ही, वहाँ पर ठंडा ठंडा हवा आ रहा है क्योंकि पूरा दिन आज बारिश हो रहा था, तो इसलिए ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो थोड़ा बाहर जाके बैठूँगी, उसके बाद फिर डिनर करेंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? खाना खाने का मन है कि नहीं? हाँ, हाथ भी नहीं धोया पूरा दिन आज, मनी हाइस्ट बस, मनी हाइस्ट पूरा, मनी हाइस्ट का पैसा मिठू नहीं दे रहा है देख देख के। तो मेरे बर्थडे में जो फर्स्ट गिफ्ट दिया है वो पिया ने, और नीचे पिया रहती है और रोनिता रहते, तो उन लोगों ने दिया, तो
जो ईशानी आती है ना उनकी मम्मी, तो ये दिया है उन्होंने। ग्लास है और जग है, पानी का ग्लास और जग है, ये पूरा कांच का है, अच्छा है लेकिन मुझे अच्छा लगा। और ये है सेकेंड गिफ्ट गोपाल और उनकी मम्मी के साथ, यशोदा माँ के साथ गोपाल, मस्त है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। तो फर्स्ट गिफ्ट ये पिया ने दिया है और वो सेकेंड वाला जो गिफ्ट मैंने दिखाया आपको लड्डू गोपाल का, वो मिठुन के ऑफिस से फ्रेंड आए थे ना उन्होंने दिया। मेरा थर्ड जो गिफ्ट है वो है मोमिता ने दिया है, तो ये बैग दिया है, मीन्स देखिए इस तरह, तो मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। और मिठुन का गिफ्ट ना ड्यू है पता है, और यहाँ पे देखो हमारी कौन आई, छुनुनू, कौन आया छुनुनू, इतना शैतान है पूरा घर फैला के रख दिया पता है, मेरा तकिया वगैरह सब फेंक दिया उसने। तो यही था मेरा बर्थडे का गिफ्ट और मुझे लड्डू गोपाल ना बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मन सोच रही थी कि मैं लूँ और जन्माष्टमी भी अभी चला गया तो मैं सोच रही थी कि लूँ बट मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ तो इसलिए मैंने लिया नहीं, और मुझे ना पीतल वाला लड्डू गोपाल चाहिए तो इसीलिए मैंने लिया नहीं अभी तक। तो ये मुझे गिफ्ट मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सोच ही रही थी कि मुझे लेना है लेना, और लड्डू गोपाल मेरे घर पर भी आ गए और ईशानी लगता है रो रही है अभी। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी हम लोग का इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय। और मिठुन पता अभी भी मनी हाइस्ट देख रहे उसका, मतलब आज मुझे लगता है पूरा रात सीजन 5 तक कंप्लीट करके ही सोने वाले। बाय बाय।